Hey what's up guys, Bhagesh here, back again with another video. So guys, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन को एज अ वाईफाई रिपीटर कैसे यूज में ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसके बाद अगर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट को एनेबल करना है तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर एट अ टाइम वाईफाई चल सकता है या तो वाईफाई हॉटस्पॉट चल सकता है, बट जो मार्केट में अभी जो न्यू फ़ोन आ रहे हैं वो दोनों फीचर को एक साथ सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप एट अ टाइम वाईफाई को भी यूज़ कर सकते हैं और वाईफाई हॉटस्पॉट को भी यूज़ में ले सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूं और इसके बाद आप अपने जो ओल्ड स्मार्टफोन है इसके अंदर भी एट अ टाइम वाईफाई और वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज़ में ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल आउट द इंट्रो फर्स्ट। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक आपको कहाँ पे काम में आने वाला है। तो गाइज यहाँ पे कई रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप वाले आपको एक ही डिवाइस के ऊपर वाईफाई को अलाउ करते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आपको इंटरनेट को शेयर करना है तो आप इस फीचर को यूज में ले सकते हैं। तो अगर आपके पास एक ओल्ड स्मार्टफोन है और आपके अंदर वो फीचर सपोर्ट नहीं करता तो आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को एज अ वाईफाई रिपीटर यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के लिए आपके फोन को रूट होना जरूरी है, मतलब कि आपका फोन रूटेड होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है राउटर नेट। तो गाइस ये एप्लीकेशन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को सिंपली यहां से आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे यूज रूट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ये सुपर यूजर की परमिशन के लिए पूछ रहा है, तो इसके बाद आपको सिंपली उसे अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसे सुपर यूजर की परमिशन अलाउ करनी है और इसके बाद फिर से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यूज रूट के ऊपर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे सुपर यूजर की परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट टेथरिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट टेथरिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप में से वाईफाई हॉटस्पॉट स्टार्ट हो चुका है और इसका SSID यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट RB गैलेक्सी J5 आपको शो हो रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मुझे वाईफाई हॉटस्पॉट शो हो रहा है और नीचे आप पासवर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड को एंटर करके वाईफाई को यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको टर्न ऑन WPS को स्टार्ट करना है तो आप इस फीचर को भी यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप विदाउट पासवर्ड को एंटर किए डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को एज अ वाईफाई रिपीटर यूज़ में ले सकते हैं और वाईफाई सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, हो सके तो कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और आपको आने वाले टाइम में और वीडियो देखने चैनल के ऊपर इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, दिस इज भागेश साइनिंग ऑफ।